हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल जाइए क्लासरूम प्यारे विद्यार्थियों ये पिछले छह महीने का देखिए मेरी 200 से ज्यादा वीडियो है प्ले लिस्ट में और एक से एक के मीन्स परफेक्ट जो आपके 2024 16 जून के पेपर में आएंगे फिल्म में आगे मेन में आएंगे दो हजार चौबीस में फिर आपके दो के फिल्म के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है सारी एक बार देखिए आप किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर ले आएगा बिल्कुल उसी पेन पर बनाइए मैंने एग्रीकल्चर की एनवायरमेंट की ज्योग्राफी की पॉलिटिकल साइंस की हिस्ट्री की उम्मो टेस्ट साथ में ये आपके लिए इतनी रेलिवेंट है कि हर क्वेश्चन हर न्यूज वो आपके अगले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे उसमें से अब ये देखिए हाउ एग्जामिनर फ्रेम्स प्रीलिम्स क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम न्यूज़पेपर्स मैंने मेरे मित्र स्पेशल चीफ सेक्रेटरी उन्होंने पूरा एनालिसिस किया इसका भाई आपका ये कोर्स क्या है उन्होंने मुझे बताया कि आप दो घंटे रोजाना बचा रहे हैं बच्चों के और रेलिवेंट मटेरियल दे रहे हैं हर न्यूज के बाद क्वेश्चन होता है चाहे उसमें से दो क्वेश्चन निकले चाहे तीन निकले हर न्यूज के जितनी भी इंपॉर्टेंट है द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस इसका मतलब आपके 600-700 घंटे तो मैंने बचा दिया इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी इफेक्टिव स्टडी और एग्जामिनर जो है क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है प्रीलिम्स के Newspaper में से जितने मैंने वाइस चांसलर बात की तीन वाइस चांसलर से, से मेरी बात हुई डायरेक्टर्स प्रोफेसर इंटेलेक्चुअल आई एस अलाइड सर्विस ग्रुप ए सर्विस सभी ने यह बताया करंट अफेयर न्यूज पेपर एनालिसिस क्रिटिकल रीडिंग एंड ब्रिंगिंग एम सी क्यूज एंड क्वेश्चन फॉर द मेन दैट इज द एग्जैक्ट थिंग वट यूपीएससी इज डिमांडिंग इन यस्टरडेज वीडियो कल जो मैंने वीडियो बनाई थी हाउससी मीन स्टेटिक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे के जो न्यू कमर्स है ना जिन्होंने दो दो तीन तीन बार दे चुके हैं बेचारे क्वालिफाई नहीं कर तो पता है जो स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं ना वो करंट अफेयर्स में से ही आते हैं डिस्कस होते हैं न्यूज पेपर में स्टैटिक आ जाते हैं जैसे पोलिटिकल साइंस में है स्टेटिक आएगा करंट के साथ इंटर होगा मैंने सारे जो है पिछले छह महीने से स्टैटिक करंट को लिंक करके चल रहे हूं मैं आप सोलह जून को देखना 2024 में जो पेपर होगा प्रीलिम्स का बिल्कुल उसी पैटर्न पे हंड्रेड परसेंट क्योंकि मायने रखता है जिसने 40, 40 साल अखबार पढ़े इस एज में बड़ा एक्सपीरियंस है ये क्वेश्चन निकालने के लिए कि क्या चाहता है यूपीएससी क्या प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्यों निकालता है ये इस तरह के जबकि आपके क्वालिफाइंग सेवेंटी फाइव दो हजार तेईस की है लेटेस्ट डिस्कशन एग्जांपल टुडे

11 मार्च 2023 में साइंस पेज पे आया था और मई में जो है ये एग्जाम में आ गया 2023 में ऐसे नहीं देते लेकिन मैंने फिर भी क्या किया मेरे पास हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर है उसमें से हर बार चार पांच क्वेश्चन आते हैं प्रिलिम्स में और दो तीन क्वेश्चन महीन में, में आते हैं वो सोलह सो पेज की किताब को मैं दस पंद्रह बीस तो बिल्कुल रेलिवेंट जो आपका एक दिन में हो जाए मेन का भी ऐसे मॉडल आंसर बना के दे दूंगा दे रहा हूं आपको प्रीलिम्स के इतने क्वेश्चन दे दिए मैंने एनवायरमेंट एग्रीकल्चर ज़ोग्राफी, ज्योग्रफी इंटरलिंक्ट अब ये जो वेगल डांस आया है हालांकि मेरे एग्रीकल्चर जब मैं कवर कर रहा था ये वेगल डांस मधुमक्खी का हनी बीज का उसमें था कि वो बताते हैं कि सोर्स ऑफ फूड किस डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस पे है ये ऐसे आर्टिकल मैं रोजाना लेके आ रहा हूं आपको बिग शॉर्ट आता है साइंस पेज पे साइंस पेज पे जितने आते हैं ना आर्टिकल

एक साल तक मेरे साथ जुड़ के चलोगे न्यूज पेपर पढ़ोगे तो ये मेरिट हंड्रेड पे जाएगी मीज जो बच्चे मेरे साथ हैं वो हंड्रेड से ऊपर आएंगे उनके ये देखिए इस तरह का जो मैंने दिया ना आपको ये बिग शॉट में आता है आप मेरे रोजाना देख रहे हैं मैं एक जरूर लेके आता हूँ कभी जिम्बावे में फसल सूख रही है ड्राउट की वजह से मेज की आज मैं लेके आया अर्जेंटीना पे जो है एक पेस्ट आया हुआ है वो मैं दिखाऊंगा वो निकाल के लाते हैं वो हम ये कभी देखते नहीं थे ये मैंने इंट्रोड्यूस किया है हमने ये जो है दो हजार तेईस में मिल जिन बच्चों ने रजिस्टर करा था वो सारे के पास है कम से कम ऐसे उनके पास सौ क्वेश्चन है साइंस पे इसी तरह आप रजिस्टर करोगे आपके पास छह सौ सात सौ क्वेश्चन साइंस के ऐसे होंगे जो किताबों में जल्दी से ढूंढने से नहीं मिलेंगे आपके नोट्स में नहीं है बीस पच्चीस क्वेश्चन ये मान के चलिए कैसे पास हो गए आप फिलिम्स में अब ये पॉलिटिकल न्यूज में से ही क्वेश्चन निकाल दिया मैंने सरना रिलीजियस कोड पे नजर पड़ गई ये क्या चीज है कोई तो कोड है सरना रिलीजियस कोड फॉर ट्राइबल्स ये झारखंड ने रेजोल्यूशन पास किया असेंबली में सरना रिलीजियस कोड पे फॉर ट्राइबल्स ये क्या करते है? नेचर की पूजा करते ट्रीज की हिल्स की ये देवी देवताओं की पूजा नहीं करते उनकी पूजा करते हैं और ये इसलिए पास किया उन्होंने ताकि इनकी जो कल्चर है वो प्रोटेक्टेड रहे और ये आपने लिखना है अपने में, या में में या मेन स्टेट्स जल जंगल जमीन ये बार बार आता है ट्राइबल्स क्या करते हैं जल जंगल जमीन को बचा रहे हैं अब ये क्वेश्चन निकाला है मैंने इसमें से झारखंड असेंबली पास द रेजन फॉर सरना कोड ये आपसे पूछ सकते हैं किस स्टेट की असेंबली ने किया है अभी तक तो सिर्फ एक ही है वहां पर ट्राइबल्स हैं और ये फेस्टिवल भी मनाते हैं इस सरना कोड पे सरना रिलीजन पे सरना रिलीजन इज ए मेजोरिटी ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी इन झारखंड ऐसे क्वेश्चन आएंगे यूपीएससी में जो हम स्किप हो जाते हैं हमारे से हमें पता नहीं है क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है हमारा अब ये वेस्ट नील फीवर पे मैंने इतने क्वेश्चन दे चुका हूं मैं 2023 में फिर आ गया ये केरला में ये एक पेशेंट की डेथ होगी कंफर्म हो गया कि ये कोजिकोट से रिपोर्ट हुआ है केरला में और फोर पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर दिया कंफर्म केसेज हैं कंफर्म मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये इंटरनेशनल एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो ये बताती है कि केस है है ये कोविड या डेंगू है कन्फर्म करती है ये पुणे में है ये बड़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी तो इस इसपे मैंने क्वेश्चन बनाए हैं देखिए बहुत सारे आपको दिए भी हैं पहले मैंने वेस्ट नील हैज बिन कन्फर्म इन ये ठीक आपको पता चल गया Mosquitoes. Mosquitoes no पूछ लेंगे आपसे अब तो कौन सी वैक्सीन है वैक्सीन है ही नहीं उनका अपने आप में इम्यूनिटी आती है हमने उनको जो है उनका फीवर ज्यादा नहीं होने देना जिस तरह से हम करते हैं डेंगू वगैरह में सिम्टम्स क्या है हाई फीवर कोमा, ट्रेमर्स पैरालिसिस ये सिम्टम आ सकते हैं पेशेंट तो में सिम्टम दिखते नहीं है।, है दिखते ही नहीं सिम्टम वेस्ट नील इंफेक्शन वॉज कन्फर्म इन केरला फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी देर हैज बिन नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन सो फार अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुई है ट्रांसमिट हो जाती है डिजीज कोई कंफर्मेशन नहीं है ये क्वेश्चन ऐसे चार स्टेटमेंट बना दी और बहुत सारी स्टेटमेंट मैंने दो हजार तेईस चौबीस में दिए इसलिए मेरा को पे, कोई क्वेश्चन होगा आपका ये वन सेवेंटी फाइव नेशन की हुई है ये मैंने इस पे क्वेश्चन भी दिए हैं इसका यह है टू एलिमिनेट यूज ऑफ टॉक्स हो चुके हैं और नेक्स्ट जो राउंड होना है वो होना है बोसान में बी यू एस एन साउथ कोरिया में लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला उससे क्योंकि लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं इस सारे वन सेवेंटी फाइव जो कंट्री हैं यूनाइटेड नेशन मेंबर कंट्री है लेकिन इसमें जो है इंडिया और दूसरे कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री हैं जैसे सऊदी अरेबिया यूनाइटेड स्टेट रशिया इंडिया ईरान जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड रिफाइनिंग कंट्री है ये आपने पढ़ना है और इससे क्या है जैसे अच्छा गया गया इंडिया में क्या हुआ कि 2021 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए ये एग्जाम में आएगा दैट इज दैट बैंक नाइनटीन कैटेगरीज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इट डज नॉट इंक्लूड प्लास्टिक बोटल्स इवन दोन टू हंड्रेड एम एल एंड मल्टी लेकेजिंग बॉक्सिसमें आपने ये नोट करना है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल में आएंगे तो चार स्टेटमेंट आएंगे आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ना है दो तीन तो ये होगी उन्नीस कैटेगरी है सिंगल यूज प्लास्टिक जो बैन की गई है और उसमें ये इंक्लूड नहीं है ये भी आपको पता होना चाहिए तो कितने एम एम का प्लास्टिक है होना चाहिए ये सारा आपको जो है जब ये रूल्स फोड़ो हुए ना दो हजार इक्कीस के तब पता चलेगा

पार्लियामेंट पास द लॉ एंड ना देर डिपोर्टिंग विदिलिटीजेंसिस्टेंस देके उनको रवांडा के जो रवांडा में भेज रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है देखिए और रवांडा का इतनी बार आ चुका है पहले तो आप देखिए रवांडा के जो है चारों तरफ बॉर्डर कौन से करते करते हैं इसमें लिखा है ना ऊपर नॉर्थ में युगान्डा है तंजानिया ईस्ट में ठीक है ना देन बुरुंडी साउथ में डेमोक्रेटिक रिपब्लिकों को ईस्ट में चार कंट्री हैं मुश्किल नहीं है ये लैंड लॉक कंट्री है ये भी पता चाहिए पूछ लेंगे आपसे विच ऑफ फॉलोइंग इज़ लैंड लॉक कंट्री रवांडा मीन्स दे तो समुद्र नहीं लगता सिर्फ लैंड लगती है कंट्रीज की अब यूके इज डिपोर्टिंग माइग्रेंट्स टू रवांडा एज पार्ट ऑफ इमिग्रेशन लॉ पास बाय यूके पार्लियामेंट अब इसमें राइट्स वॉच का जिक्र आया इस आर्टिकल में दो तीन बार तो मैंने ये ले लिया दो क्वेश्चन आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनेशन जरूर पूछते हैं रिपोर्टर्स विदाउट एंड तरह की जो एक क्वेश्चन दो नंबर का आता है तो इसी तरह का ये ह्यूमन राइट वॉच इसके हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क में और ये जो है इंटरनेशनल एनजीओ है फाउंडेड इन सेवन एट एज हेल वॉच ह्यूमन राइट्स रिलीज़ ऑफ़ बानो रेप ये सभी कंट्री में जहां पे भी इन ह्यूमन कंडीशन होते हैं कोई भी जाति होती है वही ये इंटरवीन करती है अब ये इकोनॉमी पेज पे मेरे जो स्पेशल चीफ सेक्रेटरी हैं मित्र हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से रिटायर हुए दो साल पहले उन्होंने मुझे एक सलाह दी कि क्यों ने आप एक इकोनॉमिक टाइम्स या इकोनॉमिक जो पेज आता है फाइनेंस के लिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस को शुरू कीजिए तो मैंने उनको बताया मैं ऑलरेडी दो न्यूज पेपर ले रहा हूं दोनों में, 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 में रोजाना लाता हूं यू आर कवरिंग इकोनॉमी पेज तो ये जो जितना भी मैं आपको मेटीरियल दे रहा हूं ये सारा का सारा जो है ऑडिटिंग हो रहा है समझिए आप कितने वाइस चांसलर एक वाय शाह ने पूरी वीडियो देखी ही मेनी क्वेश्चन फ्रॉम मी आप जो है एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हो गए प्रोफेसर हो गए इस फील्ड में इतना जस्टिफाई कैसे कर रहे हो ये एक्सपीरियंस से आता है और आपके पैशन से आपके शौक से आपके कमिटमेंट हार्ड वर्क और कुछ करने की इच्छा शक्ति समाज को सेवा करने की जो इच्छा शक्ति है ना उससे ये चीजें आती है अब ये कोलम्बो फिक्सिस प्राइस हो आपको ये पता होना चाहिए अडानी का कहा पोर्ट है कहाँ एयरपोर्ट है इंडिया में कहा है ये भी एक बार मैंने मैप में दिया है आपको एक्सप्रेस एक्सप्लेन पेज पे है इंडियन एक्सप्रेस में अडानी के पोर्ट कहाँ कहाँ है इंडिया में फिर विदेश में कहा है जैसे आइफा है इसराइल में यहां जो है आपके श्रीलंका में अडानी ग्रीन एनर्जी विंड पावर प्रोजेक्ट लगाने जा रही है पे मन्नार और पुनरिन कहालैंड नॉर्थ प्रोविंस में अभी और इसमें उन्होंने कंडीशन रखी है श्रीलंका ने हम पेमेंट करेंगे और श्रीलंका रूपीज में करेंगे अब ये मैंने क्वेश्चन इसमें से निकाला है ऐसे क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिकल अप्लाइड जो कि बड़े स्किप हो जाते हैं हमारे से अडानी ग्रीन एनर्जी एग्जीक्यूटिंग ए विंड पावर प्रोजेक्ट इन मन्नार इन श्रीलंका इसमें कई उन्होंने सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है वहां पे श्रीलंका में और एनवायरमेंटलिस्ट है उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है कि हमारी जो है ये विंड पावर प्रोजेक्ट जो लगा रहे हैं इससे हमारी बायोडावर्सिटी कम हो जाएगी ये भी आपको पता होना चाहिए अडानी ग्रुप ऑलरेडी मेड इन्टमेंट इन दंटेनर टर्मिनल एट द कोलम्बो पोर्ट ऑलरेडी ग्रुपेस्टमेंट है एक दो और मैंने पिछली बार कम से कम ज्यादा नहीं तो ये दो तो डेढ़ सौ क्वेश्चन दे चुका हूँ बिग शोट के दो हजार तेईस चौबीस तो में मैं यह चाहता हूं यदि आप दो हजार पच्चीस में दे रहे ना तो आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आप मेरा जो है दो हजार तेईस चौबीस का कोर्स ले लो मिनिमम कोस्ट पे है कुछ भी नहीं है वो कोर्स लेने के बाद इतनी फाउंडेशन आपके ना बैकग्राउंड इतनी हो जाएगी करंट अफेयर्स की तो आपको दो हजार पच्चीस का एकदम समझ आ जाएगा और कम से कम तीन चार क्वेश्चन फिर आएंगे इनमें से इस तरह के दो हजार पच्चीस में भी आएंगे दो हजार चौबीस में तो बहुत सारे आएंगे आप देखना इस बार सोलह जून को और फिर दो हजार पच्चीस में भी देखना तो मैं चाहता हूं दो हजार पच्चीस के जो कैंडिडेट है जो दो हजार तेईस चौबीस का जो मेरा कोर्स ये भी लें फिर दो हजार पच्चीस का लें और फ्री हो जाए स्ट्रेस फ्री हो जाए पास नहीं क्वालिफाई नहीं करना आपने सेफली क्वालिफाई करना पच्चीस तेईस नंबर ज्यादा आने चाहिए मेरे हर बच्चे के दो हजार पच्चीस में और दो हजार चौबीस में भी जिन्होंने कोर्स लिया है मेरा पहले अब ये देखिए सिंपल सा है अर्जेंटीना में, में मेज लगाते हैं अर्जेंटीना में मेज ग्रोप है इसमें जो है ये एक पेस्ट आया हुआ है पेस्ट क्या होता है जो नुकसान करे पेस्ट वो होता है जो नुकसान करे जैसे हमारे को जो ना अनवांटेड गेस्ट आ जाता है तो हम उसको पेस्ट कह देते जो हमारा नुकसान करे ना किसी न किसी वे में हमारी इकोनॉमी में या जैसे भी उसको हम पेस्ट कहते हैं पैरासाइट कहते हैं जो हमारे लगातार चिपका रहे जस्ट चुजता रहे उसको पैरासाइट कहते हैं तो ये पैस जो है लीफ ऑफर है ये लीफ ऑपर का काम क्या है वो पत्तों से और ये जो कोब है वहां पे बहुत ज्यादा संख्या में होने के बाद हाई टेम्परेचर पे हाई मॉइस्चर पर फैलता है ये हाई हाई मॉइस्चर और प्लांट पॉपुलेशन ज्यादा हो जब और तो पानी क्रॉप में जो ना वाटर लॉगिंग हो जाती है तब ये जो है ओपर जाते हैं लीफ ऑपर तो ग्रीन पोर्शन को ये खत्म करते हैं येलो कर देते हैं फोटोसिंथेसिस तो रुक जाती है प्लांट की जो है फोटोसिंथेसिस रुकने से ग्रोथ रुक जाती है सूख जाता है प्लांट और उसकी हिल्ड एकदम से ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है ये आपसे पूछ सकते हैं इसके तीन चार स्टेटमेंट बना देंगे लीफ ऑपर की येलो इंसेक्ट ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको तो मैंने ये दे दिया आपको एक तो आपको ये पता चल गया इससे अर्जेंटीना में मेज क्रॉप होती है लीफ ऑपर जो है एक नया पेस्ट आया ये कब आता है जब ग्लोबल वार्मिंग हो मॉइस्चर ज्यादा हो ये डेंजरस पेस्ट है तो कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यह मिलेगी ये अब जो है स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट पर क्योंकि तो ग्लोबल वार्मिंग से पेस्ट फैला है तब ये लीफ ऊपर आया अब ये भी क्वेश्चन जो ना साइंस पेज से एक दो ऐसे आएंगे जो नई कंसेप्ट है ना फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में और आपको पता चलते हैं चाहे वो दो तीन साल पहले आई हो लेकिन न्यूजपेपर में आई है फर्स्ट टाइम सुनी है मैंने सुपर प्लास्टिसाइजर्स व्हाट इज द रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर इन कंक्रीट कितना इंपोर्टेंट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए और सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के लिए तो सुपर प्लस्टी साइजर्स की डेफिनेशन क्या है दे आर एफेक्टिव वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सर यूज इन मेकिंग कंक्रीट कंक्रीट बनाने में इसमें जो है ये बाइबल भी है चिपर भी है स्ट्रेंथ भी ज्यादा है और तो इसमें क्या केमिकल है वो आपको पता होना चाहिए दे आर सल्फोनेटेड मेलामिन फॉर मे हेल्डीहाइड कंसेड्स और सल्फोनेटेड ने फॉर मे हेल्डीहाइड ये आपको तो याद नहीं रहेगा इसको तो बार बार याद करना है। ये क्वेश्चन दो नंबर का आएगा नई नई कंसेप्ट आती है आप देखा है आपने 2023 और 2022 में ये कंसेप्ट एग्जाम की है यूपीएससी की जो कि हमारी किताबों में हमारी एनसीआरटी में कहीं पे भी नहीं है ये अब ये मैप जो है बार बार आ रहा है आज भी आया इंडियन एक्सप्रेस में बहुत जो है इंपॉर्टेंट है अब ये इरेज चेक चेक पॉइंट इरेज रफा कैरम शलोम यूनिस ये पांच में से आपका दो नंबर का आएगा ये मैं एज एग्जामिनर समझ लीजिए जो मेरा एक्सपीरियंस है ना जैसे मैं पेपर सेट करता था उससे बता रहा हूं और एक चीज और बताओ बताता हूं मैं आपको ये सारी चीजें आपका स्टेट पब्लिक सर्विसेज के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है इवन एस एस सी के लिए भी या यूपीएससी के एक उल्ट एग्जाम है यही आएंगे वो उसमें तो जो रोजाना न्यूज पेपर में आती है इस मैप को आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है अब आप से ये अब आपसे ये पूछ लेंगे गाजा के साथ कौन सा सी लगता है ये है, यहाँ पे साइप्रस है साइप्रस से फूड मेटेरियल आता है सिनाई में यहाँ जो है रफा प्रोसिंग है ये बहुत बार आता है हंड्रेड टाइम आ चुका है एक साल में रफा बॉर्डर से जो है इजिप्ट से होके यहाँ पर गाजा में फूड मेटेरियल जा रहा है खान यूनिस्ट की मेन जगह जहां पर अटैक किया इजराइल ने रफा और खान यूनिस फिर कैरम शेलोम क्रोसिंग ये है इसराइल में इैज भी है इसराइल में ये देखिए क्वेश्चन इस तरह से मैंने कैसे मतलब निकाला है दिमाग लगा के कैरम शेलोम इज लोकेटेड इन ये कन्फ्यूज कर देता है एग्जाम में जाके पहले से याद नहीं होगा तो क्योंकि हमें ऐसा लगेगा कोई तो गाजा में तो नहीं है इजिप्ट में तो नहीं है क्योंकि वह बॉर्डर पर नजर आता है ये अब ये देखिए इस तरह का आएगा ये क्वेश्चन आएगा आपको ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर नाइन नोट कीजिए और हम जो है सोलह जून को इसमें से कोई ना कोई स्टेटमेंट जैसे चार है ना इसमें एक जरूर आएगा एक पॉइंट ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं सोलह जून के बाद ये वीडियो चला के और क्वेश्चन नंबर नाइन दिखाऊंगा आपको याद रखना मेरी बात फिर शब्बा फार्म शब्बा फार्म हंड्रेड टाइम आ चुका ये चारों ये चारों लोकेशन अखबार में रोजाना आती है ये मान के चलो शबा फार्म जो है ये डिस्प्यूटेड लैंड बिटवीन लेबनान एंड इसराइल बट ऑक्यूपाइड बाय इजराइल कितना इंपॉर्टेंट है ये क्लैरिटी होनी चाहिए हमें क्या है किसके बीच में डिस्प्यूट है अब ये डी फेक्स पे ईसीआई ने लेटर लिखा है पॉलिटिकल पार्टीज को देखिए पार्टी को स्टेट पार्टीज या नेशनल पार्टीज उन्होंने कहा फेक्स का यूज नहीं होना चाहिए क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए डूज एंड डोंट्स उन्होंने बताए ये आपके अच्छे में और मेन में काम आएंगे हालांकि इन्होंने किसी पर एक्शन नहीं लिया लेकिन इसमें अब आगे आने वाले समय में एक दो साल में ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि क्या रेगुलेशन बनेंगे इस पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन टेलीकोमेशन रेगुलेशन बनानी शुरू कर देगी आईटी मिनिस्ट्री ये आपने पढ़ना है कि क्या क्या यूज हो सकते हैं इन्होंने कहा थ्री आवर्स के अंदर हटा दो उनको वार्निंग दो अपने पार्टी के जो इन्होंने किया है ये इससे तो नहीं हल निकलने वाला ये तो एक उनकी एडवाइस है अभी तक तो ये जो है रूलिंग पार्टी ने ए को कंप्लेंट की है क्योंकि ए का इस्तेमाल हो रहा है इस इलेक्शन में बहुत ज्यादा लेकिन उसमें बैन नहीं है ए का लेकिन दैट शुड बी इन द राइट डायरेक्शन गलत इस्तेमाल मिस नहीं होना चाहिए डिफेक्ट का किसी की फोटो किसी का लगा दो जैसे होम मिनिस्ट्री की जो ना होम मिनिस्ट्री की कंट्रोवर्सी आई थी इस तरह का जो है आपने ये पढ़ के इससे क्या होगा आपका इससे तैयार होगा सोशल मीडिया के मिसयूज उसमें आप लिख सकते हैं आईटी के मिसयूज एआई के मिसयूज अब ये एक्सप्लेन पेज पे भी आर्टिकल दो तीन बार आ चुके हैं हिंदू में आ चुके हैं टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में आ चुका है इथिलीन ऑक्साइड पेस्टिसाइड पे इसे क्या एम आर होनी चाहिए सिंगापुर हांगकॉन्ग ने इसको जो रिमूव कर दिया एवरेस्ट के और एम के मसाले थे अब इसके अंदर क्या बताया गया ये मैप देखो जो कोडेक्स एलिमेंट वो जो है कमीशन है ना एलिमेंट जो इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीकल्चर के पेस्टिड की एम फिक्स करता है तो कोडेक्स की जो है ये तीन चार चार और ब्लैक पेपर में चेली में इनमें जो है क्या है कि हमारी जो है बहुत कम है हमारी जो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो एम फिक्स की है आप देखिए पॉइंट है कोडक्स की जो है टू है टू पीपीएम पी एम टू एम पर केजी का मतलब टू पीपीएम पी एम पॉइंट फाइव एम पर केजी का मतलब पॉइंट फाइव पी हमारी जो है इससे देखिए कितने गुना कम है चार गुना कम है इसी तरह दूसरे पैसे साइड में देखिए आप चिल्ली में ये उनकी पांच है हमारी एक उनकी हमारी दो सेवन फाइव. अब सिंगापुर और होंगकोंग ने कहा है कि एम से ज्यादा है इसका मतलब हो सकता है इन कंपनीज ने बिना टेस्टिंग के इथिल की जो फ्यूमिगेशन की है साल और दूसरी फंजाई के लिए भी वो ना आए तो वो जरूर से ज्यादा कर दी इसका मतलब ये हुआ अब ये देखिए अब आपको ये नहीं पता चलेगा पॉइंट जीरो वन एम जी को कन्वर्ट करना है हमने पर केजी को पीपीएम में जितने एमजी पर केजी उतने ही पीपीएम ये आप क्राइमिंग कर लो बस ये बीएससी में सेवेंटी सेवन में मेरे प्रोफेसर ने पढ़ाते हुए बताया था प्रैक्टिकल में सेवेंटी सेवन में ये बता दिया था जितने एमजी सॉलिड सो सोलिड के लिए ये सोलिड के लिए जितने एमजी पर केजी उतने ही पीपीएम मुझे आज तक याद है और मैं क्लास में जब पढ़ाता था पहली क्लास में याद करवा देता था बच्चों को अपने सब्जेक्ट में तो ये जो है एमआरएल फूड प्रोडक्ट्स की पॉइंट जीरो वन एम जी है

जो पहले थी अब ये आपका है मेन का क्वेश्चन थ्री फेस फायर डील हामाज अब ये जो है पिछले एक साल से ज्यादा हो गया ये चल रहे हैं गाजा इजराइल का वार और इसका क्या है क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इंटरनेशनल पे तो देखिए उधर से लेबनान में ईरान बैग्ड मिलिटेंट है हिजबुल्ला इधर माज हैं उधर रेड सी में अटैक कर रहे हैं ईरान बैंड यमन में तो ये इंटरनेशनल इंपैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे इतना ज्यादा आ रहा है तो ये अब इसके सोल्यूशन बताए रिजेक्ट कर दिए जो हामाज ने बैक किए जो है इसमें इजिप्ट और दूसरे कंट्रीज में मदद मीडियशन कर रहे हैं तो ये सारे पॉइंट आप पढ़ेंगे तो आपका मेन का क्वेश्चन बन जाएगा कैसे हिंद का जो है ये सीज तो फायर हो सकता है थ्री फायर फिर सीज फायर या युद्ध कैसे खत्म हो सकता है और इंडिया का क्या रोल हो सकता है इंडिया का क्या स्टैंड इस समय यह आपको पता होना चाहिए हमाज के प्रति क्या है इसराइल के प्रति क्या है प्रिय विद्यार्थियों आप सभी के जो है जो ड्रीम है मैं डीएम के कुर्सी पर बैठो उसके लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए इस समय यह है कि जज करो रोजाना आपका एमसीक्यू मिल रहे हैं रोजाना आपको मेन का क्वेश्चन मिल रहा है फ्रेम किया हुआ स्ट्रक्चर किया हुआ एक चार डिकेड के प्रोफेसर का एक्सपीरियंस से जो एग्जामिनर भी रहा है बहुत सारे इंस्टीट्यूट का एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। वो आपको स्ट्रक्चर करके रोजाना दे एक आपको फरवरी में मिले आफ टेडली जिनमें एक स्टेटमेंट काम आया आपको चार स्टेटमेंट में से तीन आपको पता ही नहीं मैं जो क्वेश्चन 2023-24 में दिए उनका आप स्टैंडर्ड देखना उनको आप पहले रजिस्टर करो तब पता चलेगा आपको आप इमीजिएटली पच्चीस का कर लो गो एम सी क्यूज देने दो हजार तेईस चौबीस में न्यूज पेपर से एक्सक्लूसिव चर्चा स्टेटमेंट बना ली रोजाना चार घंटे मुझे लगते हैं कितनी मेहनत है ये मुझे जो है मेरे सीनियर आई एस ऑफिसर और दूसरे वाइस चांसलर ने कहा आप इतनी मेहनत कैसे कर रहे हो ये मेरा पैशन है शौक है आई एम इंजॉय तो ये चीजें जो आपको मिल रही है ये स्ट्रक्चर के के जो मेन आपको रैंक दिलवाएंगे में तो पास सेफली आपको रैंक दिलवाएंगे ऐसे में में, मिला तीन सौ नंबर से ज्यादा का है करंट अफेयर्स जो कि करंट अफेयर्स मीन न्यूज पेपर चूंकि सभी वाइस आंसर जितने मुझे जानते हैं डायरेक्टर्स प्रोफेसर कितने लोगों से मैं डिस्कस करता हूं कितनी यूनिवर्सिटीज के इंडिया में वो सारों ने मोर ये लगाई है बिना न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स मीनिंगलेस थैंक यू वेरी मच टेक केयर